हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ट्रिमिंग वीडियो कि आप अपने बालों को घर पर ही कैसे ट्रिम कर सकते हैं, वो भी एकदम परफेक्टली जैसे कि आपने पार्लर जाके कराए हो। आई डोंट थिंक कि पार्लर जाके अपने बालों को ट्रिम कराना कोई अच्छा ऑप्शन है, जबकि आप इसे घर पर ही कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से यही ट्रिमिंग वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक थम्स अप दीजिए और नीचे एक रेड बटन है उसे प्रेस करके मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ ऐसे ही यूजफुल वीडियोस। सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे ताकि इनमें टैंगल्स ना रहें। ये आप देख सकते हैं मेरे बाल नीचे से खराब हो रखे हैं, तो मैं थोड़ा सा ही ट्रिम करूंगी इन्हें। अब हम एक पॉइंटेड कॉम लेंगे, ऐसे कॉम आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, और इससे अपने बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब पीछे की तरफ से भी एक सीधी मांग निकाल लेंगे। और इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड करके आगे की तरफ ले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी मांग निकली है। तो दोनों साइड से बाल मैंने आगे की तरफ कर लिए हैं। अब इन्हें एक बार कॉम कर लेंगे। अब बालों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्प्रे बॉटल से इन्हें गीला कर रही हूँ ताकि थोड़े से स्मूथ हो जाएं बाल। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल अवेलेबल नहीं है तो आप हल्का हल्का सा पानी ऐसे ही अपने हाथों से लगा सकते हैं बालों पर। अब इन्हें एक बार कॉम कर लेंगे ताकि थोड़े स्ट्रेट हो जाएं। अब अपने बालों को दोनों तरफ से इस तरीके से पकड़ लेना है और इन्हें दोनों साइड से ले जाते हुए चिन के नीचे ले जाकर मिलाना है, और यहाँ पर हम एक रबर बैंड लगा देंगे। रबर बैंड लगा के एक बार दोबारा अपने बालों को कॉम करेंगे। अब अपने बालों की लेंथ के मिडल में एक रबर बैंड और लगाएंगे। ध्यान रखें अपने बालों को एकदम स्ट्रेट रखें। मेरे बाल लंबे हैं तो मेरे बालों में रबर बैंड ज़्यादा लगेंगे। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग देख लें कि कितने रबर बैंड यूज़ होंगे। अब जहाँ से हमें बालों को ट्रिम करना है उससे थोड़ा सा ऊपर एक रबर बैंड और लगा लेंगे ताकि जो बाल हैं वो एक जगह फिक्स हो जाएँ। तो ये तीनों रबर बैंड मैंने बालों में लगा लिए हैं, और ये नीचे का पार्ट जिसे हमें ट्रिम करना है इसे खुला छोड़ा है। मैं अपने बालों को थोड़ा और कम करूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल थोड़े से बाल ही ट्रिम करने हैं। तो हम यहाँ पर अपने इन बालों पर स्प्रे करेंगे, थोड़ा गीला कर लेंगे इन्हें। आप ट्रिमिंग की लेंथ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितने भी बाल आपको ट्रिम करने हों। अब इन बालों को एक बार और हल्के से कॉम कर लेंगे, और ट्रिमिंग के लिए अपने टू फिंगर्स के बीच में अपने हेयर को इस तरीके से पकड़ेंगे और एक सीजर से ट्रिम कर देंगे। एकदम स्ट्रेट ट्रिम करना है आपको। और ये बाल नीचे से ट्रिम कर दिए मैंने, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें नेचुरल शेप देने के लिए इस तरीके से होल्ड करेंगे और सीजर स्ट्रेट करके इन्हें ज़िगज़ैग कट देंगे ताकि इन पर नेचुरल लुक आए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो ये स्ट्रेट ट्रिमिंग हो चुकी है बालों की, तो अब इस रबर बैंड को हटा देते हैं और आपको कॉम करके दिखाती हूँ। ये मेरे बाल नीचे से एकदम स्ट्रेट और परफेक्ट कटे हैं, तो ये रबर बैंड भी हटा देंगे। आपको पीछे से भी कॉम करके दिखा देती हूँ, ये बाल नीचे से एकदम स्ट्रेट हैं। अगर आप इस तरीके से अपने बालों की ट्रिमिंग करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से घर पर ही स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं। आई होप मेरा ये आज का हेयर ट्रिमिंग वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, नीचे एक रेड बटन उसे प्रेस करके मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।